तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसका हम पार्ट वन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो लेट्स स्टार्ट। हम सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके और फीचर्स क्या हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कम्युनिकेशन, सबसे पहली चीज तो जो आपको समझना है दैट इज कि कम्युनिकेशन यानी कि बोलना, ठीक है ना, यानी कि अपनी बातों को शेयर करना, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो आप किसके थ्रू करोगे? वो आप कम्युनिकेट करके करते हैं, ठीक है ना। हम बोल कर करते हैं यानी कि शेयर करना। तो देखो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये वर्ड जो है ये भी एक मिला है आपके लैटिन वर्ड से जिसको कहते हैं आपका कम्युनिकेयर, जिसका मतलब भी होता है टू शेयर। और कम्युनिकेशन में भी हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, है ना, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, वी इंटरचेंज दिस थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। ओके, एंड फॉर दिस वी आई लाइक फर्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग होगी, चीजों को समझेंगे, तभी आप अपने डिजायर एक्शन तक पहुंच पाएंगे। अगर सामने वाला समझने की कंडीशन में ही नहीं है तो वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं और आपका एक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी है, लाइक अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, कैथ डेविस ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है। द डेफिनेशन इज किसकी, कम्युनिकेशन की, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जो अंडरस्टैंड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन जब पास आउट की जाती है उसको समझने में, है ना। इसी तरह से प्रोफेसर मैथ्यू ने एक डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफरेंट एंड डिफिकल्ट दैट वी कैन नेवर पुट इन द सिंपल वर्ड। कम्युनिकेशन समथिंग सो सिंपल, कभी तो वो बहुत सिंपल है और कभी वो बहुत डिफिकल्ट है अगर आप उसको सिंपल वर्ड्स में नहीं बता पा रहे हैं तो। तो इस तरह से ये तो हुआ हमारा कम्युनिकेशन का। एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ये टू वे प्रोसेस हो गई, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। हम क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए वी रिक्वायर द टू पर्सन, दो पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब आती है बात कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन तो हमें समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन जो है वो बात करने या जो भी है इस तरह की चीजों को कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। दो पर्सन के बीच में जो भी थॉट्स शेयरिंग हो रही है उसे कम्युनिकेशन कह रहे हैं। अब बात आती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच बिजनेस रिलेटेड आइडियाज, प्लान, स्ट्रेटजीज, मैसेजेस एक्सेट्रा आर एक्सचेंज अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, नेमली मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, बायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। क्या मतलब निकला इसका? मतलब सिंपल सा ये हुआ कि बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली जितने भी हमारे बिजनेस पर्सन होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दे कम्स अंडर द बिजनेस कम्युनिकेशन। जो हमारे बिजनेस रिलेटेड जितने भी टॉक्स होती हैं, दे कम्स अंडर द बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें बिजनेस से जुड़े हुए सारे के सारे पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो सप्लायर हो, रिटेलर हो, बायर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर कोई और, ठीक है। तो दे आर द बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन तो है ही है लेकिन अब जुड़ चुका है यहाँ पर बिजनेस। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रेमन की। ब्रेमन ने यहाँ पर बताया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशंस चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि बिजनेस के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में जब भी आप किसी चीज को, लाइक किसी थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो इंफॉर्मेशन को या इंटरचेंज कर रहे हो अपने आइडियाज को, दैट कम्स अंडर द बिजनेस कम्युनिकेशन। अनदर वर्ड्स अगर देखे जाए तो विलियम स्कॉट ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज इंश्योर बाय द फीडबैक फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग एक्शन विच विल अकम्पलिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। टोटल मिलाकर यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि जब भी आप किसी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तभी आपको उसका एक्शन सही तरीके से मिल पाएगा। जैसे कि घर में होता है, आप मूवी देख रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, आप इतने ज्यादा मशरूफ हैं कि आपको मम्मा की आवाज सुनाई दे रही, मम्मा इतनी देर से कह रही है कि मुझे वहां से
लाइक कोई भी चीज वो मांग रही है कि मुझे वहां से फ्रूट्स लाके दे दो, फ्रूट्स लाके दे दो, आप सुन ही नहीं रहे हो. क्यों? क्योंकि आपका वहां पर प्रॉपर ध्यान ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इसलिए कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर अटेंशन रिक्वायर्ड है. ओके, चलिए, ये तो सबको समझ में आया होगा क्योंकि सबके घर की कहानी है, राइट. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन क्या होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन की मदद से हमको इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट करने में मदद मिलती है. हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन को भेजना. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंफॉर्मेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज पासिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. सेकेंड जो है वो है आपका एडवाइस. सेकेंड क्या है आपका? एडवाइस. कम्युनिकेशन की मदद से आप एडवाइस कर पाते हैं, इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका. ठीक है, जिसमें पर्सनल के ओपिनियंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जिससे कि सामने वाले का बिहेवियर जो है वो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है. नेक्स्ट आपका आता है वार्निंग. वार्निंग जो आप देते हो वो वार्निंग भी आप किसके थ्रू देते हो? कम्युनिकेशन के थ्रू देते हो. वार्निंग क्या है? एक फोर्सफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आपका एज इट डिमांड इमीडिएट एक्शन. इफ एम्प्लॉय डू नॉट लाइक, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उस केस में, या फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो? सामने वाले को वॉर्न करते हो. तो वॉर्न भी जो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आपका आता है राइजिंग मॉरल. तो मॉरल बूस्टिंग के लिए भी यू आर यूजिंग द कम्युनिकेशन. किसी ने थोड़ा अच्छा काम किया या किसी ने थोड़ा सा मॉरल डाउन है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, अगर आपने थोड़ा सा उसको उसकी अच्छाई के बारे में बता दिया कि यस यू कैन डू इट, तो बस वही मोरल बूस्ट हो जाता है और बेटर परफॉर्मेंस का फंडा हमारे सामने आ जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट जो है दैट इज द मोटिवेशन. ठीक है, यहाँ से जैसे हमारे कम्युनिकेशन की वजह से मोरल राइज होता है, उसी तरह से मोटिवेट भी होता है. मोटिवेशंस एनर्जीज और एक्टिवेट द पर्सन जो उसके बिहेवियर में एकदम से उसके गोल को अचीव करने के लिए चेंजिंग लेकर आता है. तो मोटिवेशंस भी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो जिससे कि वो अपने टास्क को इजीली कर पाए. क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन फंडा जो है दैट इज की गोल अचीव. तो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव करना ही हमारा मेन टारगेट है. नेक्स्ट है ऑर्डर. विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन गिव द ऑर्डर. ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं. ऑर्डर एक ऑथोरेटिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सीनियर्स होंगे दे गिव द ऑर्डर टू द जूनियर्स, जो लाइक उन्हें कंप्लीट करना पड़ सकता है, वहां पर कंप्लीट करना ही पड़ेगा एक्चुअली. तो ये पूरी एक ना प्रोसीजर होती है जिसको फॉलो करके ये ऑर्डर वाला फंडा काम करता है. अच्छा, ये जो ऑर्डर है ये आपका रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है. अब डिपेंड करता है किस तरह का वो ऑर्डर है. अब एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशंस में टू वे कम्युनिकेशंस हम बात करते हैं कि भाई बोलना हो गया, लेकिन रिटर्न जो होता है इट्स आल्सो कम्स अंडर द कम्युनिकेशन. रिटर्न हो गया, आपका जो साइन लैंग्वेज होती है ना, वो भी आपके कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है. नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर सजेशंस. सजेशंस भी हम कम्युनिकेशन की मदद से देख सकते हैं. सजेशन एंजॉय द ग्रेट एडवांटेज ओवर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक एडवाइस और ऑर्डर. एडवाइस और ऑर्डर से ज्यादा बेटर होता है सजेशन, बिकॉज सजेशन सही कहीं ना कहीं आप देखोगे पॉजिटिव वे में लेकर आता है. ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, हो सकता है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाए ना कि सामने वाला आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की फीलिंग आ जाए, बट सजेशन एक पॉजिटिव वे दिख जाता है. एक नेक्स्ट आता है आपका पर्सुएशन. इट इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑफिस और द फैक्ट्री. द लेजी एंड इनकम्पिटेंट एंड द एक तरह से कह सकते हैं जो इस तरह के वर्कर्स होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए या उनको काम पर लाने के लिए पर्सुएशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन. एजुकेशन आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन जो है उसे एजुकेशन में इसलिए ही लाया गया है जिससे कि सामने वाले के अंदर एजुकेशन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, जिससे वो जब भी किसी से बात करेगा, जब भी कोई बिजनेस डील करेगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन की हेल्प से वो काम बहुत आसान हो जाएगा. सीरियस सी बात है, अगर आप किसी से रूडली बिहेव कर रहे हो, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और आप गए हो बिजनेस डील के लिए, तो वो बिजनेस डील आपकी सक्सेस नहीं होगी. वहीं आप बहुत पोलाइट तरीके से बिजनेस डील के लिए गए हैं, वही सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स उनकी बात भी सुन रहे हैं, तो बिजनेस डील डन होगी और सक्सेसफुल भी रहेगी. तो वही फंडा यहाँ पर भी काम कर रहा है.
नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं क्या हो सकते हैं. बहुत ही सिंपल सिंपल है. द फर्स्ट वन इज टू वे ट्रैफिक. ठीक है, टू वे ट्रैफिक कहने का मतलब हो गया कि जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस होता है. ठीक है, वो टू वे प्रोसेस होता है. इट इज टू वे ट्रैफिक. अपवर्ड और डाउनवर्ड भी जा सकता है वो आपका. ठीक है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है. जैसे टॉप मैनेजमेंट ने अगर जूनियर्स को कुछ कहा है तो वो आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया. आप जूनियर्स ने अगर टॉप मैनेजमेंट को कोई मैसेज पास ऑन किया है तो वो अपवर्ड हो गया. तो ये टू वे ट्रैफिक हो सकता है जिसमें आप मैसेज, आपके डायरेक्टिव्स, ओपिनियंस, ये सब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा ग्रीवियांस हो गया, कंप्लेंट, ओपिनियन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें अपवर्ड जाएंगी. लाइक इनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर ये इनको भेज रहे हैं तो वो अपवर्ड हो जाएगा. और ये जो है ये अपने ओपिनियंस ऑर्डर्स जो है वो जूनियर्स को दे रहे हैं तो वो आपका डाउनवर्ड हो जाएगा. इसके अलावा आपकी जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है. कैसी प्रोसेस होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है. इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इट इज रिपीटेड टू अचीव द डिजायर रिजल्ट एंड इट इज नॉट द वन टाइम स्लॉट. मेरा टारगेट है यहाँ तक पहुंचना. एक बार मैं है ना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर लिया तो एक बार अचीव करने से नहीं होता है. बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलरिटी रिक्वायर्ड होती है. अगेन प्रोसेस रिपीट होगी और फिर से नया गोल हो जाएगा, फिर नया गोल हो जाएगा. इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है. शॉर्ट लीव प्रोसेस, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एक शॉर्ट लीव प्रोसेस होती है. इट इज कम्प्लीटेड एज सून एज द मैसेज इज रिसीव एंड अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर. अगर सही पर्सन तक आपका सही मैसेज सही समय पर पहुंच गया और उसको सही तरीके से समझ में आ गया तो वहीं आपकी प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन की खत्म हो जाती है. ठीक है, नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. जैसा आप जानते हैं कि सही मीडिया अगर आपने यूज किया है, सही लैंग्वेज अगर आपने यूज की हुई है तो सही पर्पस आपका जो है वो कम्युनिकेट हो पाएगा जो पर्सन को आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक. लेकिन वहीं अगर आपने मैसेज को भेजने का लाइक मीडियम सही यूज नहीं किया, लैंग्वेज सही यूज नहीं करी तो वहीं आपका कम्युनिकेशन में हर्डल्स आना शुरू हो सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए, जार्गन्स यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसे शब्द यूज नहीं होना चाहिए जो टेक्निकल हो और नॉर्मल पर्सन को समझ में ना आते हों. ठीक है, इसके अलावा लीड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. लीड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इसका एक फीचर्स होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज दिस बाय क्रिएटिंग सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज होती है. एक आता है आपका डिस्पेल द मिसअंडरस्टैंडिंग. इट प्रोवाइड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पर्संस एंड थस बिल्ड अ ब्रिज ऑफ कमेरिडियस अमंग द पीपल्स. कहने का मतलब है यहाँ पर कि विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशंस यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और आपका जो पर्सन है उनके बीच में एक अच्छा ब्रिज क्रिएट हो जाता है. ओके, तो दे आर द बेसिक फीचर्स. तो आज की क्लास में हमने जो देखा है वो क्या क्या है कि लाइक आज की क्लास में हमने देखा कम्युनिकेशंस क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इसके अलावा हमने देखा है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने देखे हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं. आई होप कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को. अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड न्यू वीडियोज के लिए वेट कीजिए, जल्द ही आपके सामने आएगा. थैंक यू सो मच.